नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था और धांधली की वजह से नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि धांधली के बाद कोई स्टे लगा देता था। वहीं बीजेपी की सरकार में 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का काम होता है। तो ऐसे में आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बदायूं दौरा था, जहां पर वो बदायूं में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था और धांधली की वजह से नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 4.5 साल में 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। तो आपको बता दें, लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो बदायूं पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। चलिए, अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद। अनुराग जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले के समय में 2017 से पहले तक नौकरियां निकला करती थी तो पूरा खानदान वसूली में लग जाता था। देखिए, सवाल ये नहीं है, दरअसल में मैं तो उनसे कहूंगा कि वो समाजवादी इत्र लगाएं, जिससे उनके अंदर में जो इस तरह की जो विकास की राजनीति नहीं है, जो इस तरह की नफरत की राजनीति करते हैं, तो शायद उनकी जो भाषा है वो समाज के लिए होगी, समाज की उन्नति के लिए होगी। वो इस तरह की जो निगेटिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, शायद वो सुधरेंगे। उनको जरूरत है समाजवादी इत्र लगाने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर आप इत्र लगाएंगे, जिससे उसकी कम से कम भाषा में सुधार होगा। वो जनता की समस्या की तो बात करते नहीं, एक ही भाषण जब से चीफ मिनिस्टर बने तब से बोले जा रहे हैं। अब उनसे कहो ना, मुख्यमंत्री हैं आप बताइए ना, आपने क्या किया, आपने काम गिनाइए। आप एक ही बात नहीं, बीजेपी तो लगातार गिना रही है अनुराग जी कि उन्होंने क्या कुछ किया है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो काम गिनाने लगे तो ये फालतू बातें उनके मन से निकल जाए, इसलिए उनको सजेशन दीजिए आप कि समाजवादी इत्र लगाइए, तो कम से कम आप विकास की भावना आपको जलेगी, भाईचारे की भावना जलेगी, समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे, समाज को उन्नति की बात करेंगे, समाज को जोड़ने की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की समस्या की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। जब तक इत्र नहीं लगाएंगे आप, महंगाई आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आप समाजवादी इत्र लगाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनको समाज के अंदर में जो हमारी बुराइयां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको सुगंध के रूप में आने लगेगी। उन्हें एहसास होने लगेगा कि महंगाई ज्यादा है तो मुझे महंगाई पे बात करनी है। जब तक इत्र नहीं लगाएंगे उनके समझ में नहीं आएगा ये समस्या, इसलिए उनको सजेशन दीजिए कि समाजवादी इत्र लगाइए। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, लेकिन एक बात और है। बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगातार सपा पर लगाया जाता है, वो ये कि माफियाओं को संरक्षण सपा में मिलता था, सपा की जब सरकार थी तब मिलता था, और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लेती थी, दंगइयों को मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाकर सम्मानित तक किया जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर में और देश के अंदर देश का गृह राजनीति जिससे आपराधिक मुकदमे थे, वो देश का गृह राज, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हालत योगी की सरकार के लिए हो गई है कि अपराधी है गृह राजनीति बन गई है, और अपराधी के बेटों के बेटों को इतनी सह मिल जाती है कि वो 8-8 लोगों को लोन देते हैं और हत्याएं हो जाती है।
ये उत्तर प्रदेश के अंदर में बदलाव आया है कि अपराधी मंत्री बनने लगे हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर खुद ही मुकदमे थे। मुख्यमंत्री तो अपनी भाषण में नहीं कहते हमने मुकदमे अपने ऊपर से हटाए, अपराधी मुकदमे उनके ऊपर खुद ही थे, लेकिन जेल के ऊपर अपराधी मुकदमे थे उन्होंने अपने ऊपर से हटाए। 114 विधायक सांसदिक विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ संगीन अपराधी मुकदमे, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ गुलाबी की राजनीति करते जिससे क्या पश्चिमी समस्या। बीजेपी तो अनुराग जी, बीजेपी तो साफ तौर पर ये कहती है कि हमने माफियाओं पर लगाम लगाई, हमने माफियाओं को जेल में भेजा। अरे तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप तो झूठ चला रहे हैं क्या? देश के गृह राज्य मंत्री क्या है वो कहता है कि सबसे बड़ा माफिया मैं ही हूँ। चलिए ठीक है अनुराग जी ठीक है, आपको रोकूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता नीला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी अरिना जी, आज बदायूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं सपा पर, खास तौर पर सपा का नाम लेकर आरोप लगाए जाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियां निकला करती थी तो परिवार जो था वो उसमें धांधली किया करता था। इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि किस प्रकार से नौकरियों में एक जाति विशेष के लोग को प्रायोरिटी दी जाती थी, फिर एक धर्म विशेष के लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी, और जो भर्तियां होती थी उनके भी दाम होते थे, टैग डेट होता था किस नौकरी के कितना पैसे में जाए मिलेगी, तो ये सारी चीज तो सत्यता है। और बदायूं, बच्चों के नाम से क्या रोंगटे नहीं खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी वालों के? दो दलित बच्चियों का बलात्कार होके जब पेड़ पे टांग दी गई थी, इन लोगों ने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। लेकिन अनिला जी, बीजेपी सरकार ने जितना वादा किया था नौकरी देने का, क्या वो वादा पूरा किया है? काफी कुछ किया है, 2 साल हमारे कोरोना में भी गए हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, सदी की त्रासदी है। नहीं अनिला जी नौकरी की बात यहाँ पर हो रही है, नौकरी देने का जितना वादा किया था वो किया क्या? अरे काफी कुछ किया है भाई, मैं वही तो कह रही हूँ, 5 साल का, अभी 4.5 साल का टेन्योर हुआ है, जिसमें कि 2 साल हमारे कोरोना को निपटने में लगे और अभी भी कोरोना चल रहा है, उसके बावजूद अगर 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी की जा रही है तो क्या ये कम अचीवमेंट है? और यहाँ कोई टैग रेट नहीं है? नहीं, इसमें अनिला जी, इसमें अचीवमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आपका काम है, ये तो आपका नौकरी देना काम है, क्या आप जनता को, आप बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, इसमें अचीवमेंट की कोई बात ही नहीं है, तो मत मानिए अचीवमेंट, उत्तर प्रदेश की जनता पे छोड़ दीजिए, न्यूज वर्ल्ड से कोई हमें एंडोर्समेंट तो चाहिए नहीं। ठीक है मैडम, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, आपको क्या नहीं, अनिला जी एंडोर्समेंट की बात तो है ही नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं कि एंडोर्समेंट नहीं चाहिए, मैं तो जो फैक्ट्स हैं उस पे बात कर रही हूँ, आप कह रही हैं नहीं, आप अचीवमेंट की बात कर रही हैं, आप इसे अचीवमेंट कैसे कह सकती हैं? आप ये बताइए, आप फोनो ले रही है, पहले तो फोनो लेने की थोड़ी सी आप सीख लेकर। अनिला जी मुझे आता है, मुझे फोनो लेना आता है, लेकिन आप अगर कुछ गलत बोलेंगी तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। आप देखिए आप क्या कह रही हैं, आप इसे अचीवमेंट बता रही हैं, आपका सरकार का ये तो काम है, आप अचीवमेंट कैसे कह सकती हैं इसको? चलिए ठीक है, देखिए अनिला जी ने फोन काट दिया, जब सवाल करते हैं हम सरकार से तो इसी तरह से फोन काट दिया जाता है, जब अचीवमेंट बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी है, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है, लेकिन शायद वो लोग इन्हें नहीं दिख पा रहे हैं जिनकी कोरोना की वजह से नौकरी गई, जो लोग अभी भी बेरोजगार हैं उनकी तरफ सरकार की नजर शायद नहीं पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो में ट्रायल रन की तैयारियां देखेंगे, साथ ही सभा को संबोधित करेंगे और ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे और जीका वायरस की रोकथाम की तैयारी और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे, कानपुर के दौरे पर वो रहेंगे बुधवार को, यानी कि कल कानपुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां पर वो मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को हरी झंडी दिखाएंगे।